QIS एंड PCS। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग एक मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर को डिस्कस करने वाले हैं। देखो हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स जो जो भी हमारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के चले हैं उसके अंदर हमने दिल्ली सल्तनत को देखा था डिटेल के अंदर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को देखने के बाद अब अगला चैप्टर जो हमारे सामने है वो है मुगल एम्पायर। और यहां से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे 2018 के बाद से, जो भी पेपर्स मतलब जिस तरीके के प्रिम्स के पेपर्स वगैरह बने हैं अगर आप उनको एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट के अंदर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी भी, लेकिन फिलहाल अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो क्वेश्चंस जो निकलते हैं वो दिल्ली सल्तनत की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस मुगल एम्पायर की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इससे निकलते हैं। कभी कभार एक कंपैरेटिव एनालिसिस की फॉर्म में इन दोनों डायनेस्टी से, इन दोनों एम्पायर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी कि एग्जामिनर ने मान लो कि आपके सामने चार स्टेटमेंट पेश करी, ये जो दो स्टेटमेंट होंगी वो दिल्ली सल्तनत से होंगी और बाकी जो दो होंगी वो मुगल एम्पायर से होंगी। यानी कि सॉरी, हमें थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ता है इन दोनों चीजों को पढ़ते हुए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को कवर करना है, वो इसलिए ताकि मुगल एम्पायर के अंतर्गत जो भी आप टैक्सेशन सिस्टम पढ़ोगे, इनकी जो पॉलिसी पढ़ोगे, इनके जो ऑफिसर्स के बारे में पढ़ोगे, इनके कुछ टाइटल्स को पढ़ोगे, तो ये चीज हम देखेंगे कि क्या ये पुरानी लेगेसी से दिल्ली सल्तनत से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है या फिर इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है। क्या वो टर्म्स जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यूज होती थी वो मुगल एम्पायर के टाइम पर भी यूज हुई है या फिर वो चीजें अलग है। अगर जो सेम है तो कौन से मुगल एम्परर ने दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी के कौन से एम्परर की पॉलिसी को फॉलो करा, और अगर कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं वो सेम है और कुछ फैक्टर्स अलग हैं तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की लेगेसी को आते हुए कौन से दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी के कौन से रूलर के कौन से वंश के चीजों को कौन से मुगल एम्परर ने चेंज कर दिया, ये चीज आपको बखूबी तरीके से पहचाननी पड़ेगी। दिल्ली सल्तनत पे कमांड के बाद आपको मुगल एम्पायर पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द कोर एरियाज जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना है तो उसके लिए आपके सामने जो चैप्टर्स होते हैं दे आर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल करना जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स में अगर हम लोग बात करें काफी बड़ी टेरिटरी है ये शुरू से, और हम लोग अभी मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं यानी कि मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के लोग जो रहते हैं, डाइवर्सिटी हमें जो लोगों के टर्म्स में देखने को मिलती है वो कल्चर के कंटेक्स में भी देखने को मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए कि मिडल एजेस के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर इतनी बड़ी टेरिटरी को आराम से रूल करना, ठीक है। अगर हम लोग मुगल एम्परर से पहले के रूलर्स की बात करें यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर या फिर थोड़ा सा उसके बाद जो वैक्यूम आया, कोई भी जो रूलर्स थे, ठीक है, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने पूरा का पूरा दोस्तों एक एम्पायर बनाया, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को एक पॉसिबल कर कर दिखाया जो कि अभी तक बाकी रूलर्स ने रूल तो करा दिल्ली को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, ठीक है। यानी कि मुगल एम्परर्स का जो रूल था इतना लंबा रूल मेडिवल इंडिया के अंदर किसी और एम्पायर का या किसी और एम्परर का नहीं रहा है जितना कि मुगल एम्परर्स का रहा है, ठीक है। 16 सेंचुरी के लेटर हाफ में, यानी कि आप ये मान लो कि जो एक सेंचुरी कितने साल की होती है, एक सेंचुरी कितने साल की होती है, 100 साल की है ना। तो यानी कि उसके मिड के बाद यानी कि आफ्टर 50th ईयर, 51st ईयर के बाद से हुआ क्या, मुगल एम्परर्स ने ये सोचा कि वो अपना किंगडम एक्सपेंड करेंगे। अभी तक वो हम देखेंगे इसको, मतलब ये शुरू शुरू में काइंड ऑफ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, हम पूरा का पूरा इसके बैकग्राउंड में जाकर, फ्लैशबैक में जाकर सारी चीजें देखेंगे। शुरू शुरू में दे यूज टू रूल फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, और आगरा एंड दिल्ली क्यों,
क्योंकि जनरली ज्यादा मुगल एम्परर्स ने इन्हीं दोनों रीजन्स को अपनी क्या बनाया, कैपिटल टेरिटरी, ये और ये, इसी को अपनी कैपिटल बनाया। 17 सेंचुरी तक आते आते ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुगल एम्पायर के अंतर्गत था। यानी कि जो इंडिया की जो दशा थी पूरी की पूरी, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, आसपास के रीजन्स और टेरिटरीज भी, वो सारे के सारे एक कॉमन एम्ब्रेला रूल के अंडर आते थे, कॉमन डेफिनेशन के अंडर आते थे, जिसको हम बोल सकते हैं मुगल एम्पायर। इन्होंने इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इम्पोज करा था जिस भी टेरिटरीज में रूल करते थे, जो कि इनके रूल के बाद भी टिका रहा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर जो गवर्नेंस का जो आइडिया था, इट आउटलास्टेड देयर रूल। यानी कि इनका रूल तो खत्म हो गया किसी एक रूलर का, लेकिन जो उस वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में या गवर्नेंस के मामले में जो चीज इंप्लीमेंट करके गया ना वो पर्टिकुलर बंदा, वो उसकी लेगेसी आने वाले टाइम में भी कायम है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, वो एक पॉलिटिकल लेगेसी जरूर छोड़कर जाते थे, जिसको जो सक्सीडिंग रूलर जो थे सब कॉन्टिनेंट के, इसको इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद राइटर हमसे क्यूरियोसिटी वाली बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में जो हम देखते हैं, जब 15 अगस्त का दिन होता है, तो इंडिपेंडेंस डे पर जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पूरे नेशन को, पूरे देश को एड्रेस करते हैं रेड फोर्ट की दीवारों से, जो कि अब इसको कोई भी पर्सन हो सकता है कि सोचे ना, वो पीएम की स्पीच पे ही फोकस करे 15 अगस्त वाले दिन, लेकिन एक टाइम पर ये रेसिडेंस था मुगल एम्परर्स का। 1857 की क्रांति को अगर आप बारीकी से अगर आप पढ़ोगे और देखोगे ना, जिसको हम भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो उस टाइम पर आप पाओगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर के जो रेबल्स थे वो दिल्ली के लाल किले तक गए थे हेल्प मांगने, क्योंकि उस टाइम पर भी भले ही सिंबोलिज्म के तौर पर या इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी किससे हेल्प मांगने गए थे बोलो, मुगल एम्परर से। ठीक है, तो ये रेड फोर्ट किसके किसका सिंबल है, मतलब कौन से एम्पायर का, मुगल एम्पायर का। अब सवाल ये उठता है, हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी, हमने सख्त साल करके एक एब्रीविएशन से याद कर रहा था, सबसे पहले डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, कोई बता सकता है, रिकॉल, मामलुक डायनेस्टी। स्लेव तो वैसे इसको कह देते हिस्टोरियन, स्लेव वर्ड का भी यूज तो हुआ ही नहीं उस जमाने में, मामलुक वर्ड वर्ड यूज हुआ। ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, मयूर है ना, लेकिन मुझे बताओ ये क्या हिंदुस्तान के लोकल लोग थे या फिर ये बाहर से चले आए थे उस टाइम पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम था ना देश के अंदर, यानी कि कोई भी हिंदुस्तानी इतना ताकतवर तो था नहीं कि दिल्ली की सत्ता पर बैठ के पूरे देश को चला ले, या कहीं पर भी बैठकर, सत्ता तो कहीं से भी चल सकती है ना। हमने जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखा था, तो आपको एक चीज याद होगी बिस में उस टाइम पर, कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअली हम बोल देते हैं, लेकिन ये एक सल्तनत नहीं थी, इसके अंदर लगभग 5 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत को अगर हम साइड अटा के बात करें, कुछ टाइम के लिए तोमर्स ने भी रूल करा था दिल्ली पर, ये याद है, उधर उधर एक टेबल पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, है ना। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो मुगल्स हम लोग जो बोलते हैं, ये कहां से आए, ये थे कौन। मुगल्स ना एक्चुअली वंश थे, दो अलग अलग जड़ जो थी, खानदानी जड़, उनसे आए थे, मतलब एक कॉमन जड़ से नहीं आए कि हम ये कहते कि इनके डिसेंडेंट थे। ये दो ग्रेट लीनेज जो रही है रूलर्स की, वहां से आए हैं। देखो मदर्स की साइड से, माँ की साइड से अगर हम बात करें, ये चंगेज खान के डिसेंडेंट से, जिसको हिस्टोरियंस लिख देते हैं सर गेंगेज खान, आपने नाम अक्सर लेकिन यही सुना होगा, चंगेज खान जो कि 1227 के अंदर मर गया था। ठीक है, मंगोल रूलर था ये, जिसने काफी ज्यादा चाइना और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स पर रूल करा था। अपने पिताजी की साइड से जो उनकी जड़ आती है, माताजी की साइड से वो तो चंगेज खान की है, पिताजी की साइड से जो उनकी जड़ है, इनको ऐसा माना जाता है ये सक्सेसर्स थे तिमुर के, जो कि 1404 में मरा था, ईरान का रूलर, जिसने इराक और मॉडर्न डे टर्की वगैरह पे भी रूल करा। अब मुगल्स को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनको मुगल बोला जाए
या मंगोल बोला जाए, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते थे इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास में चंगेज खान की जो मेमोरी है वो इस चीज के साथ एसोसिएटेड है कि उसने बहुत ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान ली, बहुत क्रूएल था, किसी को बख्शता नहीं था, और सत्ता में और पावर में आने के लिए उसकी जो भूख थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी हद तक जा सकता था, यानी कि नेगेटिव पर्सनैलिटी माना जाता था। तो इनको ये नहीं पसंद था कि इनको कोई मंगोल या मुगल बोले, क्योंकि जो मुगल वर्ड था ना ये एक्चुअली डेवलप ही इससे हुआ है, मंगोल वर्ड से। और मंगोलों ने, हमने ये भी देखा था दिल्ली सल्तनत पढ़ते हुए कि दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे ना दिल्ली सल्तनत की स्टेबिलिटी के लिए, वो मंगोल से आए, और मंगोलों को बहुत अच्छे से टैकल करा किसने, खिलजी डायनेस्टी ने, जलालुद्दीन खिलजी, और उससे भी ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी में जो उठ गया था एक ओहदे पर जाकर, जिसका नाम हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का, वो सिर्फ मंगोलों को और मंगोल जो रूलर्स थे बड़े सारे पावरफुल उनको हराने की वजह से, जबकि इनकी जो सेना थी वो काफी कम थी, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी मच एबल टू डिफीट द मंगोल आर्मी एंड मंगोलियन रूलर्स एंड लीडर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो मंगोल्स हैं या जो चंगेज खान है, उनकी जो मेमोरी है इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, इनके जो मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे उसके साथ। ऑन द अदर हैंड जो मुगल्स, जो अगर हम लोग बात करें इनका जो खानदान था, ये माँ की साइड से जो चंगेज खान वाली मेमोरी थी या फिर उनका जो खानदान की लीनेज था उससे एसोसिएट करना अपने आप को पसंद नहीं करते थे। ये कौन से लीनेज से अपने आप को एसोसिएट करना पसंद करते थे? तिमुर की साइड से। तिमुर के एंसेस्ट्री, इनको पैटर्नल साइड की जो एंसेस्ट्री थी वो पसंद थी। ठीक है, बिकॉज ये ऐसा ग्रेट एंसेस्टर था इन्होंने जिसने दिल्ली तक को कैप्चर कर लिया था इन 1398। ठीक है, अब ये अपनी जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ना कि अपनी जड़ को काइंड ऑफ ये बता रहे हैं, ये चीज जो ये राइटर है ये मुगल रूलर्स की जड़ को दिखा रहा है कि माँ की साइड से कैसे, पिता की साइड से कैसे, इनकी खानदानी जड़ कहाँ जड़ी हुई है, ये कहाँ से आए, है ना। इस चीज को ये लोग ना जीनोलॉजिकली एक पिक्चर से, एक पोर्ट्रेट से डिनोट करना पसंद करते थे मुगल एम्परर्स। आई रिपीट, मुगल एम्परर्स अपने खानदान की जड़ को, अपने पूर्वजों को फोटोग्राफ की फॉर्म में डिपिक्ट करना पसंद करते थे। जब भी कोई नया रूलर आएगा, जिस जिसको वो जानते हैं अपने पुराने खानदान में, जिस भी पूर्वज को जानते हैं, तो उस ग्रुप फोटोग्राफ में वो पर्सन ऐड होता हुआ चला चला जाएगा। ठीक है, अभी समझाता हूं इस चीज को। ये देखो, मुगल एम्पायर के टाइम पर आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स में दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि इनकी एक आदत थी, यहां पर आपको दे भी रखा है आदत क्या थी, मतलब इन लोगों ने एक चीज स्टार्ट करी थी, मिनिएचर पेंटिंग, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई वैसे तो और भी टाइम पर आपको इतिहास में देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिएचर पेंटिंग को सबसे ज्यादा जो फोकस करवाया वो मुगल एम्परर्स ने करवाया। व्हाट वाज दिस मिनिएचर पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग और नॉर्मल पेंटिंग के अंदर फर्क ये होता है, देखो दोस्तों, दीवार पर अगर बहुत बड़ी 20 बाय 20 इंच की पेंटिंग या फिर सड़क पर कोई होर्डिंग लगवाना हो 60 बाय 40 इंच का, 60 बाय 60 इंच का, ये चीज बहुत आसान है करना, क्योंकि एक बड़े पोर्ट्रे पर आराम से चेहरा वगैरह लाना, पेंट करना किसी पेंटर के लिए काइंड ऑफ एक, मान लो इतना बड़ा पोस्टर भी नहीं लेकिन फिर भी एक, जैसे हमारे स्कूल में क्लासरूम पे जो टीचर का जो बोर्ड लगा रहता है जिसपे वो चॉक से लिखते थे, उतने बड़े बोर्ड पे भी पेंटिंग करना किसी एक पेंटर के लिए आसान है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों में क्या कहते हैं, नाराजगी है या उदासपन है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, इस चीज को दिखा सकते हैं फिगर का साइज बड़ा बनाकर। मिनिएचर पेंटिंग की एक अच्छी बात ये होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है मिनिएचर, छोटे साइज की ऐसी पेंटिंग्स जहां पर बड़े सारे फिगर्स को या किसी भी एक फिगर को पोर्ट्रे करा जा रहा है, उसका साइज काफी छोटा है लेकिन उस छोटे साइज में भी आपको बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें, कि यहां पर वो पर्सन अंगूठी क्या पहना हुआ है,
उसकी बियर्ड कैसी है, यानी कि दाढ़ी कैसी है, क्या उसके क्राउन में कोई मोर पंख लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो कपड़े कौन कौन से पहना हुआ है, कपड़ों के कलर क्या हैं, कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग डिजाइन क्या है, उसके जूते या फिर जूतियां बगल में रखे हुए कि नहीं रखे हुए हैं, वो बैठा किस चीज़ के ऊपर हुआ है, तख्त के ऊपर बैठा हुआ है कि कुशन के ऊपर बैठा हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो किसी एक दरबार में बैठा हुआ है, नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर बैठा हुआ है। ये छोटी छोटी बारीकियों को एक छोटे साइज के कैनवास पे उतारना, दिस इज नोन एज मिनिएचर पेंटिंग। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात यह कि इसमें डिटेल्ड एक्सप्रेशन ना दिखते हैं साफ तरीके से, वो हाइड नहीं होते हैं, वो ब्लर नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं मिनिएचर पेंटिंग के अंदर। अब ये हर चीज को मतलब अब ऐसा करना उतारना मिनिएचर पेंटिंग में पॉसिबल नहीं होता। मिनिएचर पेंटिंग को ना कहकर अगर मैं पेंटिंग वर्ड हटा दूं, मिनिएचर आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत फेमस हो गया। जैसे एक पर्सन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम बनाया था, उसने चावल के दाने पर एक मिनिएचर आर्ट क्रिएट करा था, उसने हनुमान चालीसा पूरी लिखी थी एक चावल के दाने पर। बहुत सारे मेले, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो मेले होते हैं, या कोई जैसे हाट होता है, हाट भी एक प्रकार का मेला होता है, जैसे दिल्ली में मयूर जानता होगा कि दिल्ली हाट लगता है, ठीक है, मार्केट है परमानेंट मार्केट। वो इस जगह पर आपको कई ज्यादा लोग मिलेंगे कि मैडम सर आप अपना नाम लिखवाना चाहेंगे क्या चावल के दाने पर, तो वो एक लिक्विड में डालकर थोड़ा सा जिसको मैग्नीफाइंग करके वो दिखता है, एक लॉकेट बन जाता है, की चेन बन जाती है, एक वो की रिंग बन जाती है, ऐसा करके आपको वो देंगे। लेकिन अब ये एक मिनिएचर आर्ट इस चीज की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। लेकिन आप अगर मेडिवल इंडिया के अंदर जाकर, मध्यकालीन भारत के अंदर जाकर देखोगे, जो कि प्रॉपर पेंटिंग की टर्म्स में, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ डिफिकल्टी दैट पेंटर्स यूज टू फेस जब वो इस तरह की पेंटिंग को 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, 16वीं 17वीं सेंचुरी के अंदर, के काइंड ऑफ ब्रश या फिर उस ब्रश के अंदर कितनी माइन्यूटनेस, एक भी एंगल या कोई भी चीज बिगड़नी नहीं चाहिए, भले ही चाहे पेंटिंग बहुत सारे दिनों के अंदर कंप्लीट हो धीरे धीरे करके, कोई पेंट करा है, कलर किस प्रकार से यूज करने, कलर फैलने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज अगर बिगड़ी तो पूरी की पूरी पेंटिंग बिगड़ सकती है। लेकिन इस चीज को बखूबी तरीके से एक कैनवास पे उतारना इस मिनिएचर पेंटिंग की एक निशानी थी। ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का भी कवर करवा दिया, ठीक है। तो ये आपको एक मिनिएचर पेंटिंग दिख रही है 1702 से लेकर 1717 तक, यहाँ पर इसकी ये डेट यहाँ पर है, ये पूरी की पूरी जो तिमुरिड जो डायनेस्टी है उसकी, ठीक है, उसके साइड की, उसके डिसेंडेंट्स की, क्योंकि इनको पसंद तो था नहीं। अगर इनको चंगेज खान पसंद होता, मंगोल बोला जा रहा है, इनको पसंद तो था नहीं, अगर मंगोल्स या मुगल वर्ड या चंगेज खान अगर इनको पसंद होता, तो यहाँ पर तिमुर की जगह सेंट्रल फिगर कौन होता, कौन होता, चंगेज खान, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेंट्रल बिल्कुल पार्ट के अंदर यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये है तिमुर, ठीक है, और राइट साइड पे इसका बेटा बैठा हुआ है मीरानशाह, दिस इज सॉरी इसके राइट में बैठा हुआ है मीरानशाह, इसका राइट यही हुआ ना। फर्स्ट मीरानशाह, फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद आपको देखेंगे बाबर के ग्रैंडफादर अबू सैयद, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द तिमुरिड सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, पूरी की पूरी लीनेज मतलब परदादा, ठीक है, उनके भी पापा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे करते करते जो भी मुगल एम्परर आएगा, जैसे अब यहाँ पर तो तिमर के एंसेस्ट्री से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे लोग नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जनरली हम मुगल एम्पायर को जो लर्न करते हैं वो उसके लिए एब्रीवेशन क्या यूज करते हैं, भाज भाज सा, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब के पिताजी शाहजहां, शाहजहां के पिताजी जहांगीर, जहांगीर के पिताजी अकबर, अकबर के पिताजी हुमायूं, और हुमायूं के पिताजी बाबर। यहां तक तो आप जानते हो। अब इसको ध्यान से देखो, तिमुर बिल्कुल सेंटर में, राइट पर मीरानशाह,
फर्स्ट मुगल एम्परर जो बाबर था, ये इसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद अब्बू सैयद, बाबर के ग्रैंडफादर, बाबर के दादाजी। लेफ्ट पर तैमूर के आपको देखने को मिलेंगे सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, परदादा। उसके बाद उमर शेख, बाबर के पापा। और फिर मुगल एम्परर्स सारे के सारे, बाबर, अकबर, शाहजहां, उसके बाद हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। करेक्ट क्रोनोलॉजी जो होती है वो ये होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अब अगर कोई भी मान लो कि औरंगजेब का बेटा जो होगा ना, कोई औरंगजेब का बेटा जो अगर ये होगा इसके बाद, तो वो लोग फिर से सेंडे को बनाएंगे और अपने आप को बैठा हुआ दिखाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ शाइनी, क्या जब ये जो तिमुर बैठा हुआ है यहाँ पर, क्या उस टाइम पर औरंगजेब भी था इन सब के साथ, मतलब बैठा हुआ? कभी ये वक्त ओरिजिनली इन्होंने गुजारा है कभी ऐसे बैठ के? मुगल एम्पायर टिका है बहुत सारे सालों तक अर्पित, एज थोड़ी ना इनकी इतनी रही है, बताओ। लेकिन यहां से राइटर आपको बस यही बताना चाह रहा है कि ये इनकी एक खानदानी परंपरा थी, बस छोटी सी बात है, कहीं ना कोई पूछी जानी है, ना कभी लिखने को आएगी, ना किसी छोटे से छोटे पेपर के अंदर कभी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, नॉट इवन स्कूल के पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ये देखना चाहते हैं इस चीज को, आप ये खुद देखो कि एनसीईआरटी कितनी बड़ी साइज की है आपकी बुक, उस पे एक एक पेंटिंग बनी हुई है, एक हाफ पेज पर मिनिएचर पेंटिंग है ये। क्या यहां पर छोटी से छोटी बारीकियां इसमें पॉसिबल नहीं है कि मतलब देखना कि एक गुलगस्ता रखा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है, ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, इसके हाथ में देखो ये ईगल भी है इधर, ठीक है, इसके पास ये यहाँ पर ये तलवार है इसकी, ये फूल का गुलगस्ता रखा हुआ है, और इनके जो काइंड ऑफ ये जो भी ये टर्बन इन्होंने पहन रखी है, इस पे ये पंख लगा हुआ है। इतनी बारीक मतलब बारीकियों को देखना, अगर आप और ध्यान से देखो तो देखो इसने ग्रीन कलर की हाथ में अंगूठी पहन रखी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा इतनी बारीकी से देखना ये पेंटिंग्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने दिखवाया हमें कितना। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर काफी ज्यादा एपेक्स पॉइंट पर थे मुगल एम्पायर के टाइम पर, राइट, ये चीज याद रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई। उसके बाद अगर इनको एक्सपेंड अपने आप को करना है, या किसी को भी, ये वाली बात तो हम कॉमन जर्नल एक फेस की तरह पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत के अंदर हम एक चीज तो देख ही रहे हैं मेडिवल इंडिया के अंदर, कि अगर आपको अपनी जो रूल करी हुई डायनेस्टी का एरिया अगर बढ़ाना है, रीजन अगर उसका बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वॉर्स लड़ने पड़ेंगे, आपको मिलिट्री कैंपेन्स लड़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी को तो आप प्यार से एक पर्टिकुलर रीजन से भगा दो, हल्का फुल्का ही आपको वॉर या फिर कुछ स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन कुछ कुछ तो सामने आपके खड़े होंगे चैलेंजेस, ठीक है। बात करते हैं हिंदुस्तान की भूमि पर कदम जो रखा गया फर्स्ट मुगल एम्परर के द्वारा परमानेंटली सिचुएशन की वजह से, वो था बाबर। बाबर की अगर आप जीवनी पर पढ़ोगे, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है बाबर की ऑटोबायोग्राफी का, उसकी जीवनी का, बाबरनामा। बाबरनामा की खास बात यह कि वो बाबर ने ही लिखी है, ठीक है। यहां पर आपको बड़ी सारी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज मिलती हैं, जो कि आपको मुगल एम्पायर पढ़ते हुए जानना चाहिए। बाबर के साथ हुआ क्या इसको हम देखते हैं। ये लोग, पहली बात है एक थम रूल याद रखना कि ये लोग यहाँ के नहीं थे, ठीक है, हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं थे, ये वाली बात सबको पता है, सब लोग एग्री करते हैं। इनके एंसेस्टर्स भी यहाँ की पैदाइश नहीं थे, इस पे भी एग्री करते हो, ठीक है। बाबर पहला मुगल एम्परर जो इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है, इसका रूल स्टार्ट होता है 1526 से,
1530 तक। 1526 में हम सब जानते हैं क्या हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। शाइनी पानीपत कहां पर है? हरियाणा में। यूपीएससी ने साल 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था कि तीन बैटल आज तक लड़े गए हैं पानीपत पर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत पे ही क्यों लड़े गए हैं? पानीपत पे ही क्यों लड़े गए हैं? ये थोड़ी सी बस एक दोस्तों क्यूरियोसिटी वाली बात है जो कि इंसान को एक क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती थी। और उस टाइम पर मेंस में 20 क्वेश्चन आते थे, हर क्वेश्चन की वेटेज 12.5 नंबर की होती थी। 12.5 × 20 = 250 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो पेपर टोटल मतलब 20 क्वेश्चन, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, तो वो 250 मार्क्स की वेटेज बनती है। ये चीज़ यूपीएससी ने 2016 तक कायम रखी थी, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन इक्वल वेटेज के 12.5 नंबर के। क्वेश्चन बहुत लेंथी होते थे, जिसको चार चार पाँच पाँच लाइन के क्वेश्चन होते थे, पढ़ना उसके सेपरेट पार्ट्स को एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो पानीपत पे क्यों लड़े गए? देखो पानीपत की लोकेशन अगर किसी को पता हो इतिहास के अंदर, और इसके लिए देखो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने क्यूरियस नजर से अगर इस वाले डायग्राम को देखा होता एनसीईआरटी के अंदर, प्लस अगर पर्सन ने जोधा अकबर देखी होती ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। वरना तो आप चाहे हिस्ट्री ऑनर्स कर लो चाहे हिस्ट्री में एमफिल कर लो, तब भी नहीं हो सकता वो क्वेश्चन सॉल्व। बट ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी इसलिए पूछता है कि किताबी ज्ञान के अलावा, क्योंकि देखो 2013 में सिलेबस बदला था, 13 का पेपर अलग था, और अगले साल ही उसने वाली चीज पूछ ली यूपीएससी ने। अब ये जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी और आपकी शार्प और पैनी नजरें, जो चील जैसी निगाहें आपकी, वो कितना आपको दिखवाती हैं, और दिमाग जो आपका बहुत शातिर है वो कितना आपको सुचवाने पर मजबूर करता है। ये क्वेश्चन उस प्रकार का था। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज ये था कि होते आपके पास 7.5 से 8.5 मिनट का टाइम ही है किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, तो इतने टाइम में क्या आप सोच सकते हो उसके बारे में, या कभी आपने सोचा? बात ये थी। मैं क्यों कह रहा हूं कि जोधा अकबर की मूवी देखी होनी चाहिए थी, या फिर अगर आप ये डायग्राम भी देखते, देखो कभी भी युद्ध के कुछ नियम होते हैं हमेशा, मतलब ये चीज हमें इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती है, ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके नोट्स जरूर बना लेना आप लोग जब लेक्चर के बाद, या फिर अभी अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हुए तो। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ने लायक नहीं होती हमारे लिए, लेकिन ये चीज ना, युद्ध युद्ध चाहे कहीं का भी हो, चाहे देसी लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कोई बड़े बड़े जो युद्ध लड़े गए हैं या कुछ भी हो, उस पर कुछ नियम होते हैं। देखो नियम क्या होते हैं, दोनों सेनाएं आपस में एक बात जानती हैं कि जो वॉर जो लड़ा जा रहा है ना, जिसको हम आम भाषा में कह रहे हैं युद्ध, इस वॉर के अंदर अभी हमें सामने एक दूसरे को मिलाकर दो पार्टीज दिख रही हैं। पार्टी, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल, ठीक है, कान के पट खोलकर सुनो मेरी बात। दो पार्टीज हमें दिख रही हैं, ए और बी, ठीक है भाई, दिख रही हैं। युद्ध खत्म होने के बाद कोई भी एक पार्टी ही विनर होने वाली है, दोनों को पता है, लेकिन दोनों को ये असमंजस में है कि हमें नहीं पता। श्योर शॉट अपनी मां की कसम खाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ही जीत जाएंगे। ए ये नहीं बोल सकता कि वी विल बी द विनर, बी नहीं बोल सकता हम ही जीतेंगे, क्योंकि युद्ध होगा कैसा, क्या परिणाम होगा इसका, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक जन जीतेगा। जब एक जन जीतेगा और दूसरे की सेना परास्त हो जाएगी, हार जाएगी, मान लो कि इस केस के अंदर बी हार गया, बी की सेना हार गई और ए की सेना जीत गई, उनको ये चीज पता है कि युद्ध ना ऐसा होना चाहिए कि हम ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं, एक पर्टिकुलर लैंड को, एक पर्टिकुलर रीजन को, एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करने के लिए, ताकि हमारी जो करंट टेरिटोरियल एरिया या रीजन जो है वो हमारा कैसे ना कैसे करके एक्सपेंड हो जाए, वो फैल जाए, वो बढ़ जाए, इस रीजन को शामिल करके।
इस रीजन को शामिल करके जो कि होगा, जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन, एरिया, टेरिटरी, कुछ भी कह लो। तो यानी कि अगर जब हमें पता ही नहीं है कि युद्ध का परिणाम होने क्या वाला है, तो क्यों ना किसी ऐसी बैटलफील्ड को चुना जाए कि जहां पर जब मारकाट दो सेनाओं के बीच में हो, तो कम से कम जब हम अपनी सत्ता वहां पर उसके झंडे गाड़ेंगे अपनी जीत के, और वहीं पर डेरा डाल के हम लोग टिके रहेंगे, जो कि हमारा प्लान भी है। दोनों जो आर्मीज है वो यही चाहती हैं कि हम हमेशा के लिए वहां पर टिके रहें, सामने वाले शत्रु को वहां से खदेड़ फेंके, इसी चीज के लिए तो युद्ध हो रहा है। कम से कम अगर ज्यादा टाइम के लिए उस एरिया में टिके रहना है, तो हम दोनों को एक चीज की इज्जत करनी पड़ेगी। वॉर कभी भी ऐसी नहीं होती छुप छुपा कर किसी की टेरिटरी में चले गए, आ जाओ दम है तो बाहर निकलो, चलो लड़ते हैं। नहीं, युद्ध हमेशा नियमों से लड़े जाते हैं, इतिहास में चाहे वो कैसा भी युद्ध हो, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री में हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री में हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री में हो। मॉडर्न हिस्ट्री में तो हमने बहुत बखूबी तरीके से देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो वॉर ट्रीटी वॉर कुछ एक नियम के साथ लड़ते थे, कि पहले वो युद्ध लड़ेंगे, उनको वो पहले शत्रु की ताकत को बरखेंगे, एकदम से लड़ते नहीं चले जाएंगे, फिर सॉरी 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 बोलकर वो ट्रीटी साइन कर लेंगे, दोबारा वार करेंगे उसके ऊपर, फिर सॉरी सॉरी बोलकर ट्रीटी साइन कर लेंगे, फिर दोबारा वार करेंगे उसके ऊपर, तब तक वो सामने वाला तो घायल ही हो गया, आधी जान तो उसके शरीर से वैसे ही निकल गई, फिर इनका फाइनल एक ट्रीटी के साथ उसको या तो झुकाने के लिए, और ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशन जा गई तो उसके एरिया पे कब्जा करने के लिए। यानी कि ब्रिटिशर्स तो बहुत ही ज्यादा एक टैक्टिक्स के साथ युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन बस ये वाली चीज क्योंकि हाईलाइटेड होती है मॉडर्न इन हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट और मेडिवल के अंदर आपको सोर्सेज या हिस्ट्री की किताबें वगैरह नहीं बताती हैं, इस वजह से लोगों को नहीं पता रहता ये। लेकिन ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, दोनों जो सेनाएं एक चीज एक कॉमन पॉइंट के ऊपर एग्री करते हैं, डैड हम लोग ऐसी जगह पर युद्ध लड़ेंगे जहां पर एग्रीकल्चर ना हो, एग्रीकल्चरल लैंड ना हो, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ ना युद्ध के बाद, कोई मतलब ही नहीं है फिर उस रीजन में रहने का। पानी भरने उज्बेकिस्तान जाना पड़ रहा है, दिल्ली में बैठे हुए पूरा का पूरा भारत नष्ट कर डाला, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। खाना खाने के लिए रशिया से रोटी मंगवानी पड़ रही है, क्यों जी? पूरे के पूरा हिंदुस्तान नष्ट कर मारा, खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं बची है, क्योंकि जिस रीजन के आसपास ये रूल करेंगे, चाहे वो रीजन को फिर ये लोग प्रोविंसेस बना दें या कैपिटल बना दें, आसपास की खेती बाड़ी वाले रीजन सुरक्षित रहने चाहिए। खाना पीना अगर चलता रहेगा तो ही सल्तनत कायम रहेगी, वरना सल्तनत परास्त हो जाएगी। सिर्फ ये एक रीजन लिखना था कि खाली जमीन पर खेती बाड़ी नष्ट ना हो, ताकि जो भी सर्वाइविंग फोर्स होगी वो लगातार चलती जाए। तो जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा अगर आपको वहां पर दे रखा होता है कि दिस क्वेश्चन हैज टू बी एड्रेस इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, और जब ये साल 2014 का क्वेश्चन है तो सारे के सारे क्वेश्चन रहने, जैसा कि आपको बताया 12.5 नंबर के आते थे ये क्वेश्चन, जो 12.5 नंबर के थे इनमें 250 वर्ड्स लिखने होते थे। आप सिर्फ इतने सी बात को अगर हाफ पैराग्राफ के अंदर या किसी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते थे, 4-5 लाइनें बनाकर, तब भी आपको नंबर मिल जाने थे पूरे के पूरे। पूरे के पूरे से मेरा भाई ये मतलब होता है कि 95% मार्क्स आपको मिल जाने थे। ये वन ऑफ द रूल आप याद रखना, थंब रूल। और ये इस ओपन मैदान को देखते हुए, इस फोटो में, इस पिक्चर में, या फिर जोधा अकबर मूवी के पहले सीन को देखते हुए ये चीज कही जा सकती है कि रेतीली जमीन पर जहां पर खेती बाड़ी ना हो वो एरिया चुना जाता था सबकी नजरें, क्योंकि मध्यकालीन भारत, अब कोई जो मुगल एम्पायर पढ़ रहा है तो एग्जामिनर उससे इतना, हालांकि क्वेश्चन टफ साइड पे था, मैं ये नहीं कहता कि पता हो, अब यहाँ पर एग्जाम होने के बाद बोलना तो बहुत आसान है, फिर तो कोई कुछ भी बोल दे मोटिवेट करना ऐसे, तो एग्जाम होने के बाद तो कोई कुछ भी बता दे कि ये चीज, ये जो बुद्धिस्ट साइट थी ये कहाँ पर है, या फिर ये टर्म को बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर क्या बोला जाता है। उसके बाद तो कोई भी अपनी लेटेस्ट एडिशन निकालते किताबों की, स्पेक्ट्रम हर साल मॉडर्न हिस्ट्री की क्यों आती है, सबसे वाहियात बुक है, कोई अगर उसको पढ़े, यूपीएससी में भला नहीं हो सकता, बड़ी स्टेट पीएससी में उससे भला हो जाए, क्यों? हर साल वो एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि उनकी बुक से फंसा नहीं होता है, यूपीएससी उसको थ्रो करता है, फिर जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो जाता है 1 महीने के बाद अपना लेटेस्ट एडिशन निकाल देते हैं। इतने बड़े अगर हिस्टोरियन हो और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर किताब लिख रहे हो, तो इतनी दम रख लो ना फिर, कि कम से कम जो 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में वो करवा दो। नहीं कर पाओगे, ना इस जमाने में कर पाओगे, ना आज से 30 साल बाद या 300 साल बाद भी नहीं कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी हमेशा 2 स्टेप आगे चलता है, अगर हर टेस्ट सीरीज अगर उसको मैच कर ले तो फिर बात ही क्या होगी। अब सोचो ना इनके लिए चैलेंज कितना बड़ा है, कि भाई साहब पूरे हिंदुस्तान का दिमाग लगा हुआ है,
अनएकेडमी का, ओनली आईएएस का, फलाने आईएएस का, फलाने इंस्टीट्यूट का, तुम 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो जो कि यूपीएससी के लेवल से मैच कर जाए या डिट्टो मैच कर जाए। तुम लोग तो बहुत जीनियस हो, सारे के सारे दिमाग लगे हुए हैं, और बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो बेवकूफ लड़के और लड़कियां सिर्फ करंट अफेयर में फंसे रहते हैं पूरे साल। स्टैटिक जब टाइम होगा तब तो पढ़ेंगे, और एंशियंट मेडिवल तो ऐसी चीज होती है कि इसको तो कम से कम 6 महीने देने पड़ते हैं सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स को, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को। लेकिन लोगों के अंदर रश है, नहीं मुझको तो पहले ही अटेम्प्ट में टीनेट अभी बनना है, रैंक 1 चाहिए, और उस चक्कर में 6 के 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकलता उनका। टीना डाबी का इतिहास, टीना डाबी को जो चीज टीना डाबी बनाती है वो उसके पीछे उसकी 6 साल 9 साल की मेहनत है। उसकी छोटी बहन को भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो रिया डाबी बनाता है वो भी उसके पीछे 9 साल की मेहनत है। भले ही वीकेंड क्लासेस लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, कैसे भी कवर कराओ, लेकिन टॉर्टोइस रेस चलकर इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। टॉपर्स के पीछे की हिस्ट्री को ना जानते हुए सिर्फ 30 सेकंड से यूट्यूब के शॉर्ट देख लेना, इससे यूपीएससी नहीं निकल सकता। जिनको होड़ है ना, रश होता है जिनको कि एक ही बार में निकालना है, वो निकालना है, अटेम्प्ट यार क्या फायदा, इतनी मेहनत करी थी, ऐसे नहीं निकलता यूपीएससी या कोई भी एग्जाम नहीं निकलता ऐसे। तो अब तो सारे एग्जाम एक ही लेवल पे आ गए हैं। अब तो मैं ये कहता नहीं कि यूपीएससी टफ है, स्टेट पीएससी टफ है, स्टेट पीएससी ज्यादा टफ है, यूपीएससी से भी 90% लेवल जो टफ है, मैं 90% कह रहा हूँ, 9% भी नहीं कह रहा, वो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है। उसके प्रीलिम्स को तो निकालने के लिए कम से कम 5 अटेम्प्ट चाहिए होती हैं, जो कोई अच्छे से भी तैयारी करे तो। तो बात यहाँ पर ये है कि जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन था, हर कोई सॉल्व कर पाए से ऐसी उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि बड़े बड़े उस टाइम के जो दोस्त थे जो मेरे, जिन्होंने एमफिल पीएचडी वगैरह भी कर रखी थी, जब मेरी उनसे बात हुई इस फील्ड में आने के बाद, तो हिस्ट्री के वो धुरंधर, मतलब कई लोग तो रिसर्च वर्क कर चुके हैं जेएनयू वगैरह के अंदर, उनको भी कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। मतलब उन्होंने एग्री करा था इस बात के ऊपर कि 8 मिनट के अंदर दीपांग भाई नहीं लगा जा सकता इस क्वेश्चन को। लेकिन अगेन, अगर आपके अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट से ज्यादा सोचा करो, एनालिसिस करा करो। हम एक एक वर्ड को जो खोदते हैं ना ऐसे करके, मैं पीपीटी ना बनाकर जो ऐसे करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। जब आप ये सारी की सारी एनसीईआरटी प्लस एक ब्रह्मास्त्र तमिलनाडु एनसीईआरटी, इसको अगर आप कंबाइन कर लो, अब जैसे आप, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री कर लेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, और आवर पास 2 के अलावा सीधा थीम 2 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पर आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर कहीं पर भी विजयनगर एम्पायर का जिक्र नहीं है। अब क्या कृष्णदेव राय के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है? 10 10 साल से यूपीएससी के कैंडिडेट इस बात को सोच रहे हैं कृष्णदेव राय आ कहां से रहा है, बाजार के अंदर ऐसी कौन सी बुक हम पढ़ कर रहे हैं जिससे विजयनगर एम्पायर हमारा क्लियर हो जाए, फिर उतना वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन करंट अफेयर के अंदर वो फंसे हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर 7th क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर आपको दे रखा है विजयनगर एम्पायर, पूरा चैप्टर है कृष्णदेव राय, उसके खानदान, कल्याण मंडप का जो क्वेश्चन आया था लोग कहते थीम 2 से निकला था 12th क्लास की बुक से अंदर, नहीं भाई 7th क्लास के तमिलनाडु से बनाया कल्याण मंडप का क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2019 में। और ये भी बताऊंगे मंडप क्या होते हैं, कौन से वाले मंडप है, मतलब क्या ये शादी वाले मंडप है? हाँ दिखते वैसे ही है। इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या होती है? हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा माँ को वो इन्वाइट करते हैं, उसके लिए एक फेस्टिवल होता था। आश्रम आप हो यहाँ पर डिस्कशन में? हाँ, उसके लिए फेस्टिवल होता था, याद है आश्रम हमने पढ़ा था 12th में, जब आप 12th में थे, महानवमी डब्बा, कृष्णदेव राय सबको बुलाता था, 9 दिन के कार्यक्रम आयोजित करता था, घोड़ों की टेस्टिंग करता था, है ना, कि कौन कौन से घोड़े स्वस्थ हैं के नहीं है, और जिस भी कमांडर ने घोड़े अगर अच्छे से नहीं रख रखे हैं उसको कहता था अब तुम निकल जाओ फौज से बाहर, और इस घोड़े को भी निकाल फेंको, है ना। और ये भी अरेबियन सी वगैरह से, उससे पूरे के पूरे इतनी दूर दराज से सऊदी अरेबिया वगैरह से घोड़े मंगवाता था, बहुत ब्रांडिंग करता था हॉर्सेस की। और ये चीज कही जाती है कि विजयनगर एम्पायर ने कैरी करी, बोरो करी लेगेसी ये वाली दिल्ली सल्तनत से। ऐसे क्रॉस के, ऐसे क्रिस क्रॉस आपको एनालिसिस पावर डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए आपको पेशेंस और टाइम देना पड़ता है। आपके अंदर अगर होड़ है ना, अरे नहीं 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 यार ये तो जल्दी कवर करना है हमें, एग्जाम पास आ रहा है, नहीं निकलेगा बेटा ऐसा एग्जाम, कभी नहीं निकलेगा, सारी अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। शांत दिमाग वाले ही कंसोलिडेशन करने वाले, क्योंकि ये चीजें बहुत एज दिलवाती हैं। एंशियंट मेडिवल तो इतनी एज दिलवा सकती है कि किसी भी साल में एग्जाम में बैठ जाना, दूसरों से हमेशा कट ऑफ की चिंता नहीं होगी शाम को आके, ये गारंटी है मेरी, ऑन रिकॉर्ड जबान दे रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी। अगर इस पे कमांड है तो, कमांड का मतलब ये नहीं होता लोग आवर पास 1 आवर पास 2 आवर पास 3 ही करके जा रहे हैं,
क्योंकि उनको तो भागना है ना कि लक्ष्मीकांत रह जाएगी, स्पेक्ट्रम रह जाएगी, हमारी पीटी 35 रह जाएगी, विजन की मंथली रह जाएगी। ठीक है, बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना, वेयर इज फरगना? उज़्बेकिस्तान। 1494 में ये उसकी गद्दी पर बैठा जब ये सिर्फ 12 साल का था। आशा, मैं देख रही है तू 22 साल की होने जा रही है और पबजी खेलती रहती है, और ये 12 साल के अंदर फरगना का थ्रोन पे बैठ गया है। इसको फोर्स करा गया किसके द्वारा? कुछ वहां पर एक रेबल ग्रुप्स थे, उनकी इन्वेजन हुई, मंगोल ग्रुप के, मंगोल के ही लोग थे उज़्बेक्स। वहां पर कुछ चीफ्टियंस हुआ करते थे, चीफ्टियंस याद होगा आपको, मयूर हमने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, है ना, जो कि मतलब हमेशा ही चाहते थे बगावत करके हम बैठ जाएं सत्ता पे, है ना। तो उन्होंने सोचा शाइनी कि ये 12 साल का निब्बा ही तो है, हटा दो उसको गद्दी से। कब बैठा ये, कब बैठा ये इसकी गद्दी पर? 1494 में, है ना। बड़े टाइम के बाद घूमते घूमते उज़्बेक से नजरें चुराते चुराते, क्या ही कर सकता था बेचारा, इतनी आर्मी भी नहीं थी और उज़्बेक थोड़े पावरफुल थे। इसने काबुल पर कब्जा कर लिया, एंड वेयर इज काबुल? किसकी कैपिटल काबुल? अफगानिस्तान। 1504 में, यानी कि इसकी एज अगर 12, 1494 में 12 साल थी तो अब कितने साल का हो गया है, कितने साल का हो गया? 22 साल का हो गया। लेकिन इसको उज़्बेक्स ने, या दूसरे जो राइवल ग्रुप्स और जो चीफ्टियंस थे, ये कैसे भी करके इसको सेंट्रल एशिया में जीने नहीं दे रहे थे, चैन से नहीं जीने दे रहे थे। अब क्या हुआ, ये काबुल वगैरह ये पूरा का पूरा इसकी हाथ से सत्ता चली जाती है, इसकी हाथ से सत्ता चली गई। इसका जो कमांडर होता है, जो कि इसका दोस्त भी होता है, बचपन से साथ रहा था वो, क्योंकि 12 साल का था, अगर उसे मारना होता मयूर तो वो 12 साल में ही मार देता इसका। मुगल एम्पायर के बारे में एक अच्छी चीज मुझे जो बहुत लगती है ना, इनके बाप दादाओं ने जो कमांडर्स और जो मतलब लोग रख रहे थे ना सेना में, भले वो सैलरी बेसिस पे काम करते थे, लेकिन वो ना, अगर पिताजी अगर इनके खत्म हो जाए ना, बड़े प्यार से रखते थे इनको। आप अकबर को देख लो, अकबर को देख लो, उसका केयरटेकर कौन होता है, जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लगता है, कौन? बैरम खान। मारता है क्या उसको? पता हो जर आसान नहीं था उसके लिए अकबर को खत्म करके खुद बन जाना सुल्तान, मतलब वही मैं कह रहा हूं, जितने का भी था, लेकिन मार के क्या आसान नहीं था उसके लिए, बच्चा ही तो था। आप जोधा अकबर मूवी देखो, पहला सीन देखो आज उसका, जाकर आराम से मार सकता था, जबकि अकबर मना कर देता, उस सीन के अंदर दिखाया गया है, मैं तलवार नहीं उठा सकता खान बाबा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। वो घेरा बनाकर, ताकि लोगों को दिखाना तो था ही कि अभी शहंशाह बन गए इन्होंने, हेमू था ना, हाँ, उसका जो सर है वो तलवार से उड़ा दिया, तो वो घेरा बनवा लेता उसके आसपास बंदों का, कि घेर लो, जो मिट्टी पर ही नीचे सैनिक खड़े हैं काफी दूर, उनको ये ना दिखे, ऐसा ना लगे कि मालिक अकबर ने नहीं मारा उनको, खुद काट देता है, लेकिन उसके हाथ में फिर तलवार पकड़ देता है, और फिर वही जो चीखे गूंजती हैं, जैसे आपने पद्मावत में देखा होगा, सुल्तान बाई दाबाद, हम लोग जैसे जिंदाबाद बोलते हैं ना, इनकी एक वो था, ये लोग बोलते थे एक टोन में, बाई दाबाद। 22 साल का था, वापस जा नहीं सकता, दुश्मन बैठे हुए हैं। इसके चीफ ने बताया, ध्यान से सुनना ये वाली बात, इसके चीफ ने बोला इसको, सर सत्ता चली गई हाथ से, और सारी की सारी चली गई, अब कहीं नहीं जा सकते, ना सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, ना उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, काबुल वगैरह ये सब कुछ हाथों से चला गया। कहता बहुत अच्छा हुआ। इसकी पहली लाइन है बाबरनामा की, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, अमेज़न से मंगवा कर, इंग्लिश के अंदर पहली लाइन ऑटोबायोग्राफी में, कहता अच्छा हुआ, मतलब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो उसके बारे में कहेगा, अच्छा हुआ। तो वो कहता है, क्या बात कर रहे हो, रहोगे कहाँ, ठिकाना कहाँ है, सुल्तान हुआ करते थे, हम लोग रोड पे आ गए। जगह जगह बेचारा भटक रहा था कई महीनों तक, कई सालों तक, दुकानों पे जाता था,
हजाम की दुकान पर गया, बकरे वगैरह जो मीट वगैरह काटते थे उनकी दुकानों पर गया, पूछा मुझे सपोर्ट करोगे मेरी आर्मी, मैं एक आर्मी बनाने जा रहा हूँ, सपोर्ट करोगे? अगर मैं सत्ता में आया ना तो अपनी सल्तनत में तुम्हें मैं ये सिपाही बना दूंगा, ये कमांडर बना दूंगा। और लोग हंसते थे इस पे, रोड पे चलते हुए, भिखारी हो गया है, बातें देखना कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। कमांडर ने बोला सर देख लो ये दिन आ गए हैं, करना क्या भी ये बताओ। इसने बोला सब अच्छा हुआ। उसका सब्र खो जाता है, वो बाबर से रुक कर पूछता है क्या अच्छा हुआ, कहाँ हुआ करते थे हम लोग और हमारे परदादा, आज हमारी हालत देख रहे हो, डर डर के घूम रहे हैं, बच बच के घूम रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, करना क्या है? कहता क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम साहस और दृढ़ संकल्प नहीं हारा। पहली लाइन इसकी बाबरनामा की, व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, द अनकॉन्करेबल विल एंड डिटर्मिनेशन इज नॉट लॉस्ट, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प अभी नहीं खोया मैंने, वो इस प्रकार से मेरी रगों के अंदर कायम है जो किसी के आगे सजदा करने को मजबूर नहीं। ये बोलता है अपने बाबरनामा में, पहली लाइन में मैंने पढ़ी हुई है। और बाबर की जीवनी हमें ये बताती है, सब कुछ भी लाइफ में खत्म हो जाए ना, नेवर एवर वरी, बिकॉज विल पावर और डिटर्मिनेशन आपकी सब कुछ होती है, सब कुछ। तो कमांडर ने बोला बातें तो तुम बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, कि क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति जो किसी के आगे सजदा करने को तैयार नहीं, सर झुकाने को तैयार नहीं। कहता है इस तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे। वो कहता उस तरफ मतलब, कहता दिल्ली की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान सपना है मेरा, शहनशाह हिंदुस्तान बनना है। 2-2.5 साल तक बहुत समझाता है काबुल में इधर उधर लोगों को, मुझे सपोर्ट करो, भटक रहा था रोडों पे, घूम रहा था, भीख मांगी, सपोर्ट करो मुझे, मैं तुम्हें ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ट्रस्ट मी। लेकिन अब राह चलते इंसान को, फटीचर को देखते हुए कौन ही ट्रस्ट करे, बातें तो बहुत डिटरमाइनिंग इसकी वो लगती थी, लेकिन कंडीशन सामने वो नहीं हुई होती थी ना। तो इसने कहा यहां काबुल में बड़े टाइम तक अगर रहेंगे ना तो मारे जाएंगे, सेंट्रल एशिया वापस जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो कमांडर ने कहा, दोस्त दोस्त का था कि उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको पता करके बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, क्योंकि मुगल हिस्ट्री वैसे बाबर से शुरू होती है, बाबर का कोई बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन पानीपत के अलावा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे हम इसको कभी। तो कहता है हिंदुस्तान चलते हैं। हिंदुस्तान में कमांडर बोलता है पागल हो गए हो क्या, कैसे जाएंगे, तुम तो ये वाली बात कर रहे हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो कहता क्या करें, मैंने तो तुम्हें अभी बोला है ये सर किसी के आगे सजदा नहीं करेगा, किसी के आगे नहीं झुकने वाला। कहता है आपको पता है सुल्तान साहब, दिल्ली में जो पर्सन बैठा है इब्राहिम लोदी, उसकी सेना कितनी, और उसके सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है। तो जैसा अलाउद्दीन बोलता है ना कि आप, जब उसका वो भतीजा जब वो बोलता है कि इस वक्त उन कुकार मंगोलों से लड़ना ठीक नहीं है सुल्तान, उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं, तो सेम इसने ये चीज बोली बाबर ने, कोई बात नहीं लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। अलाउद्दीन बोलता है ना, जैसे उस मूवी के अंदर आपने सुना होगा, खिलजियों की खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। तो सेम इसने कहा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, लेकिन क्या करें, लड़ना तो पड़ेगा ही। जब आपके पास, अब बाबर की लाइफ ये दिखाती, जब आपके पास आपकी स्ट्रेंथ कम हो, आपको ऐसा लगे कि सामने शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो शकुनी की एक लाइन याद रखा करो हमेशा महाभारत में, जो वो बोलता है, मतलब ये बाबर नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं आपसे, रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनभूमि में जीता जाता है। अगर आपने अपने आप को दिमाग में स्ट्रांग मान लिया ना, तो आधा युद्ध तो आप वहीं जीत गए। रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनभूमि में जीता जाता है। एवरी गेम एवरी बैटल इज फर्स्ट वेन इन योर माइंड, फॉट इन योर माइंड।
अगर माइंड में डिक्लेयर हो आप विनर, तो इंसान जब तक रेस खत्म नहीं होती कभी वो लूजर नहीं माना जा सकता, तब तक जब तक वो दौड़ रहा गया। पता था इब्राहिम लोदी की जो फौज है वो लाखों के अंदर है और इसकी कुछ चंद हजारों के अंदर। चैलेंज दिया उसको, पैगाम भिजवाया कि हम लड़ने आएंगे तुमसे। इब्राहिम लोदी ने बहुत रिलैक्स, अबे ये क्या लड़ेगा हमसे, डिसाइड करते दोनों कॉमन एक जगह कि जहां पर जान माल को हानि ना हो और खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, पानीपत की भूमि पर चलते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, अगली सुबह युद्ध होने वाला था। पानीपत की भूमि एक बारी एक रात पहले जाकर देखाया था, जाकर पहाड़ों से खड़ा होकर इधर उधर से मतलब ऊंचाई से एक देखाया था। पूरी की पूरी वॉर कैसे लड़ी जाएगी इसके दिमाग में चल रही होती है। अब क्या है जो कि आपको एनसीईआरटी रिवील नहीं करेंगी, मैं बता देता हूं। मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ रखा, बिकॉज मैंने बताया था एक टाइम पर मेरा, मैंने शुरू में कॉलेज के दिनों में हिस्ट्री ऑप्शनल को चुना था, तो मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है ऐसी। तो साइकोलॉजी में भी मेरी इसलिए कमांड रहती क्योंकि साइकोलॉजी ऑप्शनल चुना था एक टाइम पे मैंने। ज्योग्राफी में भी इसलिए कमांड रहती क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ले चुका था मैं। फाइनली जाकर मैं PSIR पे उतरा, तो लेकिन फायदे रहे उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं डम्ब हूँ, मैं तो ऑप्शनली डिसाइड नहीं कर पा रहा अपना, लेकिन आज वो चीज़ फायदे देती है मुझे। तो खैर छोड़ो उसको। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बाबर एक बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा वन ऑफ द रीजंस, अगर आपसे कोई पूछे कि पानीपत को जीतने के मुगल एम्पायर के इंडिया में झंडे और परचम गढ़ने के ठोस रीजन क्या थे, कोई भी किताबी ग्रंथ तो कोई भी लिखाएगा, एक चीज कोई नहीं लिखता, बाबर हैड एंड ही हिमसेल्फ वॉज वेरी गुड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। ये क्या करता है, ये सोचता है कि हेमू की जो, सॉरी इब्राहिम लोदी की जो सेना है, ये ऐसे ऐसे करके आएंगे सामने से, हम यहां पर होंगे, हमारी सेना कम है। ठीक है, ये कहता है कि हम ना, जब ये एक शाम को जकायजा ले रहा होता है उसका, अपने दिमाग में अपने पूरे के पूरे रणभूमि को इमेजिन कर रहा होता है, ये सारी चीजें ने बाबरनामे में लिखी है अपने, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, मैं नहीं था उस टाइम पर, आप सोचोगे आपको कैसे पता। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एक तो एक्चुअली फर्स्ट हैंड है ना, तो झूठ नहीं बोल सकता उसके अंदर। कुछ सेना अपनी यहां पर घिरवा देता है जो कि इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लेंगी, कुछ यहां पर कुछ आगे, करेगा क्या। कुल मिलाकर इसने ऐसा उसके धीरे धीरे करते करते चक्रव्यूह बना लिया, ये सेना यहां से वार करेगी, ये सेना यहां से वार करेगी, ये सेना यहां से, ये सेना यहां से। और जनरली ऐसा देखा जाता है वो सेना जब आमने सामने आती है ना, ये धीरे 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 करके करके पीछे से जाएंगे और घेर लेंगे। क्या करेंगे, पहले यहां से मारा फिर और अंदर घुसे, यहां से मारा और अंदर घुसे, यहां से मारा और अंदर घुसे, यहां से मारा और अंदर घुसे, हमें सामने हाथी पर बैठे हुए मेन इब्राहिम लोदी को मारना है, क्योंकि राजा अगर गया ना तो सेना का मनोबल खत्म, इंस्ट्रक्शन देने के लिए सेना को कुछ है ही नहीं, तशरीफ फटेगी और भागते फिरेंगे रॉकेट की तरह इधर से उधर, राजा मर गया भागो। तो कैसे भी करके इसके इसके पास दो धुरंधर ऐसे लोग थे जो तीर कमान में बहुत सक्षम थे, दे वर वेरी मच स्किलफुल इन देयर बो एंड एरो, आर्चरी में वो बहुत मानते। और मुगल एम्परर्स के अंदर कॉमन आपको ये चीज देखने को मिलेगी, हमेशा ही कहते थे युद्ध में सबसे पहले ना जो राजा बैठा हुआ है ना, जो मेन शत्रु की साइड से, उसके पहले तीर मार दो और कोशिश करना कि उसकी आंख में या माथे पे जाके लगे, ताकि पॉइंट ब्लैंक रेंज बिल्कुल अंधेरा छा जाए उसके आगे। और इस स्ट्रेटजी के बदौलत आराम से जीत जाता है पानीपत का युद्ध। दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग सख्त सल पढ़ते हैं, स्लेव डायनेस्टी, किंग
खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी के अंदर लास्ट बंदा इब्राहिम लोदी, बाबर को बच्चा समझ के लड़ने चला था उससे, और पानीपत की धूल चटवा देता है बाबर से। तब मिलिट्री कमांडर इसका गले लगाता है इसे, और तब बोलता है, मान गए आपके उस अदम साज को जो कि किसी के आगे सजदा करने को तैयार नहीं था, और ये चीज आपने आज बता दी, मैं समझ गया हूं, चाहे इतिहास समझे चाहे ना समझे, आपके पास कितने से भी कितना कम अगर बल हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन और मेहनत अगर आपकी सही डायरेक्शन के अंदर है, आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर अनकॉन्करेबल डिटर्मिनेशन है, तो आपको जीत मिलके ही रहेगी। ठीक है? एंड विद इन द मुगल एम्परर्स ना, आपको बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा हम क्रिटिसाइज कर सके, एक्सेप्ट औरंगजेब। ये काइंड ऑफ थोड़ी सी अच्छी मुसलमानों वाली फैमिली थी, जो कि इतिहास में जितने क्रूड दिखाए जाते हैं ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर गिलोटीन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अकबर हम पढ़ेंगे उसको, देखना क्या महान इंसान था वो, उस जैसा मुसलमान कोई पैदा, किसी धर्म का इंसान कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, दीन इलाही। हालांकि बेचारे का मेजर फेल हो जाता है, सारे रिलीजन को मर्ज करके रखना, कहां कहां से जाकर, दीन इलाही सिर्फ ये नहीं था कि मैं सारे रिलीजन को मिक्स कर रहा हूं, वो ये कहता था, भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स को बुलाता था दूसरी दूसरी कंट्री से, क्या वो बैठ के एक रिलीजियस पॉलिसी बनाते हैं ताकि लोगों के बीच में टॉलरेंस बढ़े क्या। हाँ, अलग अलग नाम होते हैं उसके, मैं दीन इलाही, मतलब मैं जो रट्टा मारकर आया हूं वो दीन इलाही होता है। ठीक है? पानीपत के अंदर इसने वो लड़ा गया, और इसने दिल्ली को और आगरा को कैप्चर कर लिया। ठीक है? उसके बाद यहां हम देखेंगे टेबल वन को, लेकिन उससे पहले एक चीज है, यहां पर हमें वेरियस कैंपेन्स देखने को मिलेंगे मुगल एम्परर्स के। अफगान्स जो जब मुगल अथॉरिटी यहां पर काबिज हुई, दिल्ली के अंदर सेटल हुए ये लोग, आगरा वगैरह के अंदर, तो अफगान्स जो थे इनके लिए इमीडिएट थ्रेट थे अभी अभी, क्योंकि काबुल से ही तो भागकर आए। ठीक है? उसके बाद हम मुगल्स और अहोम्स के बीच में रिलेशनशिप भी देखेंगे। मुगल एम्पायर को चैलेंज करने वाला नॉर्थ ईस्ट में असम में एक फोर्स थी जिसको एक पर्सन चलाता था, क्या किसी ने उसका नाम सुना है? अहोम्स कहां के हैं वैसे? अहोम्स कहां के रूलर्स होते हैं? किसी को आइडिया? नॉर्थ ईस्ट असम। यहां पर एक लीडर था इनका, क्या नाम है उसका, जिसने मुगल को चैलेंज करा था और मुगल फोर्सेस को खदेड़ फेंका था बाहर, वापस उनको लौटना पड़ा था। कोई बात नहीं, अगर आपने नाम नहीं सुना मैं बता देता हूं, लचित, रचित नहीं बोल रहा हूं, लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन। ठीक है? डोंट वरी, एक्स्ट्रा चीजें मैं बता दूंगा, ये वैसे एक करंट अफेयर के एंगल से एक बारी मैंने उसको पढ़ा था आज से 4.5 साल पहले, तब से मुझे याद है, बस ऐसे ही दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लचित बोरफुकन ऐसा नहीं है कि मतलब करंट का एंगल है, अब तो ये स्टैटिक हो गया जब से तमिलनाडु की एनसीईआरटी वगैरह भी नए एडिशन से बनकर आई है, वहां पर आपको जैसे जैसे हमारा लेवल राइज होगा और पूरम दला दहिया वगैरह में भी हमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है? इसने चैलेंज करा था क्योंकि मुगल आर्मी को, और वो वापस हो गए थे। फिर हम ये देखेंगे कि मुगल्स का रिश्ता राजस्थानी राजस्थानियों के साथ कैसा, मेवाड़ मारवाड़ के साथ। ठीक है? हुमायूं का रिलेशनशिप सफाविद रूलर्स जो थे ईरान के, वो कैसे अलग था, जो अकबर का रिलेशन हुआ इनके साथ। ठीक है? और जो कब्जा करने की कोशिश करी गई गोलकोंडा और बीजापुर को औरंगजेब के टाइम पर, तो क्या उसकी वजह से जो दक्षिण भारत एक लगातार नाक में दम करता हुआ दिखता है हमें मुगल एम्पायर के टाइम पर, मुगल एम्पायर की हिस्ट्री के टाइम पर, तो क्या वो शांत हो गया? दक्षिण भारत को भी काफी ज्यादा ये लोग कब्जा करना चाहते थे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर बात औरंगजेब की हो रही है ना, तो आपने वो मूवी देखी होगी हाल ही में जो आई थी, तानाजी, है ना, दक्कन पे कब्जा करने के लिए भेजता है सैफ अली खान को, उस मूवी के अंदर दिखाया हुआ औरंगजेब। ठीक है?
एक बात और, लेक्चर ये वाला खत्म करने से पहले एक बात और बताता हूं। मुगल आर्मी जो है ना, इसके कंटेक्स्ट में एक चीज जरूर लिखना, कभी कभार बहुत ऊट पटांग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, फिर बच्चे शॉक होते हैं यार इसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या नहीं होगा। एलिफेंट जो थे ना, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द मेन आर्मी फोर्स ऑफ द मुगल्स, एलिफेंट्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब जो एलिफेंट्स हैं ये तो हम एंशियंट हिस्ट्री से भी देख रहे हैं, ये यहां पर यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये वाला फैक्ट आपको याद हो जाएगा। लेकिन अब हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, जमाना और एरा मध्यकालीन भारत का है। यहां पर अब कुछ कुछ तोपे भी इंट्रोड्यूस होंगी। कैनन्स एक इंपॉर्टेंट एडिशन था 16 सेंचुरी के वॉरफेयर के अंदर, बाबर ने इनको यूज करा था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, और जब मैं प्रीलिम्स बोल रहा हूं तो सिर्फ यूपीएससी में सोचा करो, कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स, कि क्या बाबर ने कैनन्स, तोपे, गोला बारूद इन सबको यूज करा था क्या? जी हाँ करा था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में करा था क्या? जी हाँ करा था। गन पाउडर एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि भारत लाई गई फॉर द वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी। इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी। फायर आर्म्स जो बंदूकें जो थी, ये पहली बार यूज हुए देखने को मिलते हैं हमें इन द रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डक्कन, और इसको बाबर ने यूज करा था इन द अर्ली 16th सेंचुरी। जितना बेकार आपको ये फैक्ट या फिर ऐसी चीजें लग रही है ना, 2013 से लेकर 14-15 की बीच की बात है, 14 या 15 प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना प्रीलिम्स का, यहां से क्वेश्चन ना निकला हो तो बताना, और ये भी देख लेना फिर वो कितना इजी है सॉल्व करना बिना इस नॉलेज के। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इससे सॉल्व हो सकता है वो, सिर्फ इस लाइन, सिर्फ इस वर्ड से। गन पाउडर वॉज ब्रॉट टू इंडिया, यानी कि हमारा नहीं था, उसने पूछा यही था कि बाबर के आने की वजह से क्या गन पाउडर आया था कि नहीं आया था, एक स्टेटमेंट थी ऐसे ही। क्वेश्चन बेसिक लेवल से ही बनते आ रहे थे, बनते आ रहे हैं और बनते ही रहेंगे, चाहे हमारे बच्चे या हमारे पोते या पोतियां क्यों ना एग्जाम दें यूपीएससी का किसी जमाने के अंदर, सारी चीजें बदल जाएंगी। ये बाबर हमारे परदादा जी के टाइम पे भी अगर यूपीएससी होता तब भी वही बाबर था, पापा के टाइम पे भी बाबर ही था, दादाजी के टाइम पे भी बाबर ही था, हमारे टाइम पर भी बाबर है, और हमारे पर पोते और पर पोतियों के टाइम पर भी बाबर ही रहेगा, बदलेगा सिर्फ करंट अफेयर जो कि किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में एक सबसे बड़ा ट्रैप है सरकारी एग्जाम्स का ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन। करंट अफेयर भाई बस ईयरली कंपाइलेशन से पढ़ा जाता है, फंसा अगर वहां से तो फंसा, पर ना खुश होकर स्माइल त्याग दो अपनी कि भैया इतने करंट अफेयर तो इनके बाप भी याद नहीं कर सकते हैं, इन लोगों की सिर्फ एक चीज पे कमांड नहीं है, स्टैटिक भूलेंगे इस सेंटर पे या फिर इस जगह पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनको स्टैटिक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, और करंट के चक्कर में करंट अच्छे से याद नहीं है कि हमने तो विजन पढ़ा है, इनसाइट थोड़ी ना पढ़ी है, हमने तो इनसाइट पढ़ी है, जीएस स्कोर थोड़ी ना पढ़ी है, हमने तो जीएस स्कोर पढ़ी है, आईएएस बाबा थोड़ी ना पढ़ा है। करंट अफेयर का कोई भी पर्सन अगर ये कहते हैं ना सर करंट अफेयर से मैंने एग्जाम निकाला है मतलब करके, मैं फ्री में फाउंडेशन कोर्स दे दूंगा, मैं उसे चैनल का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, मैं उस पर्सन को जो ये बोल दे कि करंट अफेयर से वो करके वो करा है, लेकिन प्रूफ करने के लिए उसको पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि करंट अफेयर, उसे उसे पहले मेरे को टेस्ट देना पड़ेगा उन करंट अफेयर से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, किसी का कोई डाउट है, कुछ भी जानना हो या कुछ चीज समझ में ना आए, क्योंकि बहुत लोगों ने मुगल एम्पायर को पहली बार पढ़ा होगा बेसिक एंगल से, बेसिक एस्पेक्ट से, तो किसी का भी कोई भी डाउट, दिवजोत, विस्मय, ईशा, सौगंधा, समझ में आया? जल्दी जल्दी बोला करो, मरे लोगों की तरह मत बैठा करो मेरे सामने, ये कि हाँ शमशान घाट में जैसे बैठे होते ऐसे मत बैठा करो मेरे सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।